तो राजस्थान के क्रिकेट की बात अगर की जाए तो हमेशा से सुर्खियों में यह रहा है। एक बार फिर से आरसीए चुनावों को लेकर सियासत तेज होती हुई दिखाई पड़ी है, लेकिन जिस तरीके का मामला सरकारी कार्यालयों में इस सूबे के भीतर दिखाई पड़ा है वो भी अपने आप थोड़ा सा चिंताजनक सा नजर आता है। दरअसल सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के देर से आने की जो आदत है वो एक बार फिर से सामने आई है। प्रशासनिक सुधार निरीक्षण विभाग की विजिलेंस टीम ने कलेक्ट्रेट, जिला परिषद कार्यालय और संभागीय आयुक्त कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। वहां से जब्त किए गए हाजिरी रजिस्टर्स की जब जांच की गई तो पूरा का पूरा सच सामने आ गया। उस वक्त तक 62.62% अधिकारी और कर्मचारी अपने दफ्तर नहीं पहुंचे थे। सरकार द्वारा भले ही पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन की बात की जाती हो, लेकिन सरकारी कार्यालयों में देरी से आने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की लेट लतीफी लोगों पर भारी पड़ रही है। सुबह सुबह प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त सचिव अनिल चतुर्वेदी ने अपनी 13 लोगों की टीम के साथ कलेक्ट्रेट और आसपास के दफ्तरों में छापेमारी की तो लेट लतीफ अफसरों की पोल खुल गई। प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने आज जयपुर कलेक्ट्रेट के 3 अलग अलग शाखाओं में जाकर रजिस्टर जब्त किए हैं और जो टीम है 13 सदस्यीय टीम है प्रशासनिक सुधार विभाग की, उस टीम ने मिनी सचिवालय यानी कि संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला परिषद कार्यालय और जयपुर कलेक्ट्रेट की जो अलग अलग शाखा हैं वहाँ पर दबिश दी। यह तहकीकात की जा रही है कि कितने जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं वो उपस्थित हैं, कितने जो समय पर आते हैं, उनकी जो फहरिस्त है वो तैयार की जा रही है। राज्य प्रशासनिक सुधार निगम की टीम ने औचक दौरे में विभिन्न विभागों के 69 में से 65 राजपत्रित अधिकारी और 723 अराजपत्रित कर्मचारियों में से 431 अनुपस्थित मिले हैं। अनुपस्थित का जो परसेंटेज है वो गजेटेड 94.2 है और नॉन गजेटेड का 59.61% रहा है। टोटल नॉन गजेटेड 723 थे जिसमें से 431 एब्सेंट हैं और गजेटेड 69 थे जिसमें 65 एब्सेंट रहे। प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम की रेड में आमजन की शिकायतों के समय पर समाधान करने के दावों की भी पोल खुल गई। बड़ा सवाल ये है कि जब अधिकारी कर्मचारी समय पर दफ्तर ही नहीं आ रहे हैं तो जनता की फरियाद कौन सुनेगा। जिला मुख्यालय पर इस तरह की लापरवाही है तो उपखंड और ग्राम पंचायतों के सरकारी कार्यालयों में बेहतर व्यवस्था की उम्मीद कैसे की जा सकती है। दीपक गोयल, जी मीडिया।